दोस्तों, जैसा कि काफी दिनों से आप इंतजार कर रहे हैं कि हमारी कंपनी के प्रोडक्ट कब आएंगे, तो इंतजार आपका समाप्त हुआ। तो आपको जानकर खुशी होगी कि मैक्समोल कंपनी के प्रोडक्ट की एक बहुत बड़ी रेंज आ रही है। कौन कौन से प्रोडक्ट मैक्समोल रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के आपको मिलने वाले हैं, क्या उनका प्राइस रहेगा, सभी कुछ इस वीडियो में बताने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल माइक्रोवेव नागल। और आपसे वही एक रिक्वेस्ट कि चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। और दोस्तों, हमारे प्रोडक्ट की जो डेमो वीडियो आप देखोगे हमारे दूसरे चैनल अरविंद के टैग पर आपको देखने को मिलेगी। नंबर एक पर, जिसकी इस समय बहुत डिमांड हो रही है और बहुत ही यूजफुल प्रोडक्ट रहने वाला है, एसी टू डीसी कन्वर्टर, जो मैक्समोल कंपनी का MPPG के नाम से आ रहा है, मैक्सिमम पावर पॉइंट जनरेटर। और इसमें कंपनी के तीन मॉडल आ रहे हैं, 3 किलोवाट, 6 किलोवाट और 10 किलोवाट। और दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 3 किलोवाट का मतलब 3 किलोवाट VA नहीं, ऐसा नहीं कि 3000 VA उस पर लिखेंगे और लोड लिफ्ट करेगा 1500-1600 वाट, ऐसा नहीं है। 3 किलोवाट है तो 3000 वाट लोड लिफ्ट करेगा, यानी यह मान सकते हैं कि मैक्समोल कंपनी का 3 किलोवाट का MPPG सोलर इन्वर्टर दूसरी कंपनियों के 5000 VA सोलर इन्वर्टर के बराबर लोड लिफ्ट करेगा। अभी केवल तीन ही मॉडल 3 किलोवाट, 6 किलोवाट और 10 किलोवाट हैं, आगे यह रेंज बढ़ाई भी जा सकती है। और इस DC टू AC कन्वर्टर के साथ 300 VOC से 400 VOC तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं, यानी यदि 330 वाट के सोलर पैनल आप कनेक्ट कर रहे हैं तो 8 से 9 पैनल की सीरीज बना सकते हैं। और यदि 550 वाट या 575 वाट जिनकी VOC 50 वोल्ट होती है, उस पैनल की आप 7 से 8 सोलर पैनल की सीरीज बना सकते हैं। यानी यदि 3 किलोवाट का प्रोडक्ट है तो उसके साथ आप 4500 वाट तक के सोलर पैनल कनेक्ट कर सकते हैं। और यदि आप 6 किलोवाट का MPPG सोलर इन्वर्टर यूज करेंगे तो उसके साथ आप इसी प्रकार की 2 स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। और यदि 10 किलोवाट का यूज कर रहे हैं तो उसके साथ आप 3 स्ट्रिंग यूज कर सकते हैं। इसके साथ आपको कोई बैटरी, कोई इन्वर्टर, कोई ग्रिड कनेक्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे अपने सोलर पैनल के साथ इसको कनेक्ट कर सकते हैं और सीधे अपने घर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं। सभी प्रकार के अप्लायंस इस पर चलते हैं, इफिशियंसी 98% से अधिक है और प्रोडक्ट को यूज करना बहुत ही आसान है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर मैक्समोल का सोलर का ही प्रोडक्ट है, सोलर कंट्रोलर, जो कंपनी का BMSS के नाम से है, बैटरी मॉनिटर सोलर सिस्टम, जो सोलर से बैटरी चार्ज करता है, डिस्प्ले में है, आपकी बैटरी को मॉनिटर करता है, बैटरी कितनी चार्ज है, बैटरी के कितने वोल्ट हैं, बैटरी को कितने एम्पियर से चार्ज करना है। और यह प्रोडक्ट 12 वोल्ट और 24 वोल्ट में आपको अवेलेबल होगा। एक ही प्रोडक्ट है, उसी पर आप एक बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं, उसी पर आप 2 बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हैं, ऑटो सेंस कर लेता है, मॉनिटर करता है कि आपकी बैटरी कैसी है, कितने वोल्ट की है, बैटरी की कैपेसिटी क्या है, कितने एम्पीयर की बैटरी है, और उसी के अकॉर्डिंग बैटरी को सोलर से चार्ज करता है। और आपको डिस्प्ले पर शो होता रहेगा कि आपकी बैटरी कितनी चार्ज हो गई है, कितने वोल्ट हैं, कितने एम्पियर चल रहे हैं। सभी प्रोडक्ट की डेमो वीडियो आप देखेंगे तो पूरी जानकारी वहां से आपको मिल जाएगी। और नंबर 3 पर है ग्रिड सोल SMPS बैटरी चार्जर। पहली बार आप इस तरीके का SMPS चार्जर देखेंगे जो ग्रिड से भी और सोलर से भी दोनों तरीके से आपकी बैटरी को चार्ज करता है। ट्रांसफार्मर लेस बैटरी चार्जर है, SMPS टेक्नोलॉजी में है, इफिशियंसी 95% से अधिक है और यह भी आपको 12 वोल्ट, 24 वोल्ट और 48 वोल्ट में 10 एम्पियर में अभी प्रोडक्ट आपको मिलने वाला है। बैटरी इन्वर्टर यूजर के लिए यह प्रोडक्ट बहुत ही यूजफुल होने वाला है, क्योंकि हमारे जो नॉर्मल इन्वर्टर होते हैं वह हमारी एनर्जी का बहुत अधिक लॉस करते हैं और बैटरी को प्योर डीसी से चार्ज नहीं करते हैं। मैक्समोल कंपनी का यह ग्रिड सोल SMPS बैटरी चार्जर बैटरी को प्योर डीसी करंट से चार्ज करता है, जिससे बैटरी की लाइफ तो बढ़ती ही बढ़ती है, बैटरी चार्ज भी जल्दी होती है। तो यदि अपने नॉर्मल इन्वर्टर से बैटरी चार्ज न करके ग्रिड सोल SMPS बैटरी चार्जर से चार्ज करते हैं
तो एनर्जी लॉस भी बचता है और बैटरी की लाइफ भी बढ़ती है। और इस प्रोडक्ट के 10 एम्पियर एक नॉर्मल इन्वर्टर के 20 एम्पियर के बराबर होते हैं और 100 वोल्ट से 300 वोल्ट तक इसकी इनपुट रेंज है। चौथे नंबर पर डीसी टू डीसी सोलर सिस्टम, 200 वोल्ट डीसी टू डीसी सोलर कंट्रोलर है जिसमें चार मॉडल हैं, 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट और 10 किलोवाट, जिसको आप जानते ही हैं कि अपना घर अपनी ऊर्जा कंसेप्ट जो लोग यूज कर रहे हैं उनको इस डीसी टू डीसी कंट्रोलर की आवश्यकता पड़ती है, जिसमें आप 6 पैनल और 15 बैटरी और डीसी टू डीसी कंट्रोलर का यूज करते हैं। नंबर 5, ग्रिड सेफ्टी डिवाइस, जो कि सभी यूजर के लिए बहुत ही जरूरी प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हम घर में बहुत महंगे महंगे अप्लायंस तो यूज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, परंतु हम इंडियन लोग सेफ्टी डिवाइस का यूज नहीं करते, जिससे आए दिन या तो हमारे प्रोडक्ट खराब रहते हैं या यूजर को करंट लग जाता है, हादसे हो जाते हैं, या हमारी रेलिंग में, फिटिंग में, दीवारों में, कहीं पर भी करंट लीकेज होता रहता है और हमारा बिजली का बिल बढ़ता रहता है और हमें पता ही नहीं चलता है। तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए मैक्समोल कंपनी का प्रोडक्ट है ग्रिड सेफ्टी डिवाइस के नाम से, जिसमें 18 मॉडल कंपनी की। वाट की यदि बात करूं तो 3 किलोवाट, 5 किलोवाट, 7 किलोवाट और 10 किलोवाट में अलग अलग फीचर में कुल मिलाकर 18 मॉडल आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। और दोस्तों, सभी प्रोडक्ट को कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे यूज करना है, क्या इनके फीचर हैं, क्या सर्विस वारंटी है, यह सभी चीजें प्रोडक्ट के लॉन्च के बाद प्रोडक्ट की जो डेमो वीडियो आप देखोगे, डेमो वीडियो में एक एक प्रोडक्ट की जानकारी आपको दी जाएगी। जो भी प्रोडक्ट की सच्चाई होती है हम वीडियो के माध्यम से वही आपको देते हैं। जैसे आप देखते ही हैं कि इन्वर्टर पर आप लिखा हुआ देखते हैं 1400 VA, 1500 VA और जब लोड लिफ्ट करता है तो 500-600 VA पर सीटी मारने लगता है, यानी कैपेसिटी 600 वाट की है, लिखा जाता है 1500 VA। तो यह एक तरीके से धोखा देने वाली, बहकाने वाली बातें होती हैं, जो केवल मार्केटिंग के लिए है, यानी बढ़ा चढ़ाकर बताकर प्रोडक्ट को सेल करना उद्देश्य रहता है, ऐसा हम नहीं करते हैं। जो भी मैक्समोल कंपनी के प्रोडक्ट की कैपेसिटी है वह उसके ऊपर पूरी वाट में लिखी जाएगी। कंपनी अपने रूल के अकॉर्डिंग, अपने नियमानुसार प्रोडक्ट की एक्चुअल कैपेसिटी ही प्रोडक्ट पर लिखती है, ऐसा नहीं कि 600 वाट के प्रोडक्ट पर, प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, मार्केटिंग के लिए उस पर 1500 VA लिखा जाएगा, ऐसा नहीं होगा। तो कस्टमर और व्यूअर अपने मन में यह बात बैठा लें कि यदि इन्वर्टर पर 600 वाट लिखा है तो उसको 1500 VA इन्वर्टर के बराबर मानकर चलें, यदि प्रोडक्ट पर 3000 वाट लिखा है तो उसको आप 5000 VA या 6000 VA का इन्वर्टर मान सकते हैं। अब दोस्तों, प्रोडक्ट के प्राइस की बात करूं तो प्राइस इस समय मिनिमम से मिनिमम रखा गया है। प्रोडक्ट की कॉस्ट में किसी प्रकार की कोई मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग की कॉस्ट ऐड नहीं की गई है, नहीं अभी सर्विस की कॉस्ट ऐड की गई है, क्योंकि अभी हमारे सर्विस सेंटर नहीं हैं, अभी जो भी हमारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे उन्हीं के माध्यम से सर्विस दी जाएगी, क्योंकि हम अपने डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को सर्विस पार्ट, स्पेयर पार्ट प्रोवाइड कराएंगे। और जो कस्टमर जिस भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से प्रोडक्ट परचेज करेगा, उस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर की शॉप पर लेकर कस्टमर को जाना होगा, तो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर उसको ठीक करके देगा, क्योंकि हमारे जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर होंगे वह या तो स्वयं में टेक्निकल होंगे या उनके पास टेक्निकल टीम होगी। मैक्समोल कंपनी का यह रूल है कि वह जो भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर बनाएगी वह टेक्निकल होना जरूरी है। और प्रोडक्ट के प्राइस आपको कंपनी की वेबसाइट maxmol.com पर मिल जाएंगे, उसी प्राइस पर आप प्रोडक्ट को ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं और उसी प्राइस पर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को भी प्रोडक्ट सेल करना होता है। तो यानी प्रोडक्ट का प्राइस सभी के लिए फिक्स रहेगा, ऐसा नहीं है कि कंपनी अलग अलग कस्टमर को या अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर को अलग अलग रेट पर माल सप्लाई करेगी, ऐसा नहीं होगा। अभी जब तक कंपनी के सर्विस सेंटर नहीं है तब तक आपको सर्विस डीलर डिस्ट्रीब्यूटर से मिलेगी या डायरेक्ट कंपनी से मिलेगी। आप ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, कुरियर के माध्यम से या डाक के माध्यम से प्रोडक्ट को सीधे कंपनी भेज सकते हैं, कंपनी सर्विस करके प्रोडक्ट को कुरियर के माध्यम से आप तक भेज देगी। हाँ, कुरियर का चार्ज यूजर को वहन करना होगा। सर्विस से संबंधित कोई भी जानकारी आपको लेनी है तो हमारे सर्विस टीम से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सर्विस टीम का कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है
5003। अभी यह नंबर सर्विस में नहीं है, एक दो महीने के बाद यह नंबर सर्विस में आ जाएगा। आप व्हाट्सएप करके या फोन करके जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज आप किसी भी समय छोड़ सकते हैं, लेकिन यदि कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक यह नंबर कंटिन्यू रहेगा। हाँ, संडे ऑफ रहेगा। तो यानी संडे को छोड़कर किसी भी दिन आप सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं, सर्विस से संबंधित, इंस्टॉलेशन से संबंधित कोई भी जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा सेल्स से संबंधित कोई जानकारी आपको लेनी है तो सेल्स के लिए नंबर है 7465005001। इस नंबर पर भी आप व्हाट्सएप मैसेज किसी भी समय छोड़ सकते हैं, लेकिन कॉल करने के लिए सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक नंबर कंटिन्यू रहेगा, संडे ऑफ रहेगा। और अभी कंपनी ने निर्णय लिया है कि जो भी यूजर ऑनलाइन प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं फर्स्ट डिलीवरी उनको फ्री रहेगी। हाँ, सर्विस के लिए प्रोडक्ट का जो आवागमन रहेगा उसका खर्च यूजर को देना होगा। और दोस्तों, आपके मन में कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में लिख देना, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, और चैनल को यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा लेना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों।